आज का जो मेन्यू है चिकन की पैटी बना रहे हैं। चिकन की पैटी के लिए हमको चाहिए चिकन मिंस, सीने का भी ले सकते हैं, लेग का भी जो अवेलेबल हो। अगर सीने का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सॉफ्टनेस के लिए हम इसके अंदर फैट डाल रहे हैं, गुर्दे की चर्बी इसमें डाल रहे हैं, बीफ फैट। आप जितने भी बर्गर आउटलेट्स पे जाते हैं देखते हैं कि बड़ा जूसी जो है पैटी होती है, बीफ की हो या चिकन की हो, अंदर बबल्स भी आ रहे होते हैं, मॉइस्चर बड़ा अच्छा होता है, जूसी भी होती है, टेंडर होती है, वो इसी फैट की वजह से होती है। अब इसके अंदर डालेंगे वाइट पेपर, चिकन पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, ये छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है वो आपने डालनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट, तो आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी मिक्स हो गया। अब इसको हमने चॉपर में डाल के पीसना है। तकरीबन हो गया, बस बीच में अगर कोई रेशा आता है इसका तो उसको हम निकाल लेंगे और फिर उसको बाद में अलग से भी पी सकते हैं। पैटी का मिंस जो हमने चॉप कर लिया है इसको थोड़ा ठंडा भी कर दिया है ऑयल हाथ पे लगाने के लिए। ये एक किसी भी आपने वैसे पैटी मेकर मिलते हैं मार्केट के अंदर, अगर नहीं है तो किसी भी एक बोतल का आपने कैप ले लेना है और फिर आपने इसको इस तरीके से तकरीबन 120-130 ग्राम का जो आपने मिंस लेना है और इसको आपने इस तरीके से ये पैटी बन जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको अपने हिसाब से इस तरीके से फैला लें। ये आपने रखनी है बन के साइज़ की कि आपका बन कितना बड़ा है, क्योंकि चिकन की पैटी इतनी श्रिंक होती नहीं है, तो आपने उसके हिसाब से इसको बना लेना है कि जितना बड़ा आपका बन है उसके हिसाब से आपने उसी साइज़ की पैटी बनानी है। ये मैदा, कॉर्नफ्लावर यह आपने डाल के मिक्स किया और अंडे और दूध का आपने बनाना है बैटर। अच्छा जी, पहले इसको हमने ऐसे कोट करना है फिर डाला इस वाले बैटर में। और इसको डाला इधर और इस तरीके से इसको कर लिया कोट। बस ये कोट हो जाएगा, इसको फिर फ्रिज में रख देंगे, सेट कर लें, जब फ्रीज हो जाए तो इसके बाद इसको फ्राई करना है। और क्लासिक मस्टर्ड पेस्ट मिक्स करना है और ये सॉस हमारी तैयार हो गई है। क्लासिक सॉस लगाया, आइसबर्ग, क्लासिक चिकन, चीज स्लाइस, सॉस, अनियन रिंग, टमाटो स्लाइसेस, ये आपका बर्गर तैयार।